आज हम बनाने जा रहे हैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी या पोटैटोज़ एंड कैप्सिकम वेजिटेबल। उसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून तेल, आलू मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए, 2-3 कैप्सिकम मीडियम साइज़ की चॉप की हुई, 2 प्याज पतले कटे हुए, 1 टमाटर मीडियम साइज़ का कटा हुआ, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून या थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर और नमक 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम वॉक को फुल हीट पर रखेंगे और तेल डालेंगे, गरम करेंगे, और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज हमने डाल दिया है, इसको अब हम स्टर करेंगे जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाते। तो हमने इसको गुलाबी रोस्ट करना है, फ्लेम फुल है। प्याज हमारे गुलाबी हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर। अब इसमें डालते हैं नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। अब इन सबको हमने स्टर करना है जब तक टमाटर जो हैं वो गल नहीं जाते। तो एक बार टमाटर हमारे गल जाएंगे तो इसमें हम सब्ज़ियाँ डाल देंगे। तो हमारे टमाटर और प्याज और ये मिक्सचर जो है ये तैयार हो गया मसाला। तो इसमें डाल देते हैं आलू और शिमला मिर्च और गैस को मीडियम पे कर देते हैं। अब इन सब्ज़ियों को अच्छी तरह से हम स्टर करके उसके बाद ढक्कन लगा देंगे और गैस को लो पे या सिम पे कर देंगे। बीच बीच में हम ढक्कन को उठाकर सब्जियों को स्टर करेंगे रेगुलर इंटरवल्स पर, और ये भी चेक करेंगे कि आलू गले हैं या नहीं, क्योंकि आलू सबसे लास्ट गलेंगे। इसलिए हमने ख़ास ध्यान रखना है कि आलू गल जाएं तभी हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार होगी। तो आप स्टर करते रहें बीच बीच में ढक्कन उठाकर, इसको लो गैस पर रखें, स्टर करने के बाद फिर से ढक्कन रखते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है आप जब तक ये सब्ज़ी तैयार नहीं हो जाती आप इसको फॉलो करेंगे। तो ये रेसिपी बिल्कुल सीधी सादी है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, ज़रूर बनाएं। तो हम चेक करते हैं आलू गले के नहीं। अब हमारे आलू गल चुके हैं, आलू गल गए हैं। तो इसको सब्ज़ी को हम एक बोल में निकाल लेते हैं और इसको आप रोटी के साथ खाएं, परौंठे के साथ खाएं, एज ए साइड डिश खाएं, ब्रेड के साथ में भी खा सकते हैं, जैसे हम ब्रेड में फिल करके भी खा सकते हैं। तो हमारी जो हमने सब्ज़ी निकाली है बोल में वो सामने है आपके, काफ़ी अच्छा कलर आया है और देखने में भी अच्छी लग रही है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी उठ रही है। तो इस डिश को ज़रूर बनाएँ और हमें बताएँ कि आपको कैसी लगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। Thanks for watching and have a nice day.